हेलो दोस्तों, पहाड़ी वाली यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और ये ब्लॉग काफी अच्छा होने वाला है क्योंकि जिसका मैं इंतजार था। कल के दिन धूप थी और आज ही बारिश हुई। और आज ही देखो पीछे क्या गिर रहा है, बर्फ गिर रही है। देखो काफी जबरदस्त लग रहा है। ये देखो आज हमारे यहाँ शादी भी थी। शादी के पहले दिन आज अरसे वगैरह बन रहे थे और सुबह से बारिश लगी थी, तो बारिश जैसे ही बंद हुई अभी और पीछे बर्फ गिर रही है, मस्त सी सफेद सफेद बर्फ, और काफी अच्छा लग रहा है। तो बैक से आपको बताता हूँ कि कैसे बर्फ गिर रही है मस्त सी। ये देखो गाइस, काफी जबरदस्त लग रहा है। वाओ वाओ ऑसम। बारिश भी हो रही है तो साथ में गल जा रहा है, लेकिन काफी अच्छा लग रहा है। ये देखो मस्त। और बारिश भी आ रही है तो कभी कभी गल जा रहा है, लेकिन ज्यादा गिरेगा तो यह अटक जाएगा। वाओ। सुबह से हम जो है जहाँ शादी थी उनके घर में काम कर रहे थे, वहाँ पे हमने पकौड़ी वगैरह बनाई। और अब मैं जैसे ही कमरे में आया था तो बर्फ काफी ज्यादा गिरने लग गई। और रात से बारिश नहीं हुई थी, कल के दिन तो धूप थी, लेकिन आज जो है सुबह बारिश हुई। और बारिश के बाद पीछे देखो काफी अच्छी बर्फबारी हो रही है, एकदम मस्त लग रहा है यार, टनाटन। तो दोस्तों आ जाओ यहाँ घूमने, हमारे गांव में भी बर्फ़ पड़ गई। और अब इसके बाद हम बर्फ़ अगर जम जाएगी तो उसका मज़ा लेंगे, गोले मारेंगे किसी को, और ज़बरदस्त मोमेंट है यार। ऐसा नज़ारा कभी कभी मिलता है आपको गांव में, और ख़ासकर आप ज़्यादा मिस तब करते हो अगर आप शहरों में रहो और गाँव में बर्फ़ पड़े तो आपको काफ़ी ज़्यादा याद आएगी गाँव की। काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है और मस्त, अब तो ज़्यादा गिरने लग गया। वाओ गाइस, एक लाइक तो बनता है यार ऐसी बर्फबारी के लिए। आपको कभी कभी देखने को मिलेगी ऐसी बर्फबारी। कल रात को वहां गिर गया था उधर के लिए, और आज हमारे गांव में भर रहा है। ये देखो अटकेगा। ये देखो मेरे जैकेट में भी काफी अटक गया है यार, काफी जबरदस्त लग रहा है आज। भले कैमरे में इतना क्लियर नहीं आ रहा है, लेकिन जैसा भी आ रहा है काफी मस्त लग रहा है। सामने से तो काफी जबरदस्त लग रहा है, लेकिन जम नहीं रहा है अभी। उम्मीद है कि बारिश बंद हो जाए और ये जम जाए। कम हो गई अब बर्फ गिरना, लेकिन ये जम नहीं रहा है। बारिश आ रही ना, वो जम नहीं रहा है, वरना अब तक तो दीवार पे काफी ज्यादा जम जाता, और अब हल्की भी हो गई है। अब नहीं जमने वाली बर्फ यार, पूरा प्लान चौपट हो गया। ये भी बोल रहा है कि मुझे बर्फ में खिलाओ, हम भी खेलेंगे, लेकिन इसको बांध रखा है क्योंकि बाहर भाग जाएगा। और बर्फ पड़ना अब थोड़ा बंद हो गया, कम हो गया बर्फ पड़ना। करीब दिन के 1:15 बजे से बर्फबारी चालू हो गई थी, और अभी आधा घंटा होने वाला है और बर्फबारी हो ही रही है, और बारिश भी साथ में हो रही, तो बर्फ जम नहीं रही है और पिघल जा रही है। तो उम्मीद करते हैं कि बारिश बंद हो जाए और बर्फ एकदम जम जाए, उसके बाद काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में भी आपको भी, और हमें तो खेलने में काफ़ी मज़ा आएगा। वीडियो आपको दिखाता रहेंगे अगर बर्फ़ जम जाएगी तो आज का दिन कैसा रहता है हम आपको बताने वाले हैं। तो फिलहाल बर्फ़ को ऐसे गिरने देते हैं, जब बर्फ़ जम जाएगी उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि कैसे बर्फ़ जो है जम गई और कितना अच्छा लग रहा है। पीछे काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है, फिलहाल तो दोस्तों हम चाय का मजा ले रहे हैं। और बर्फ गिर रही थी और अब जाके बर्फ बंद हो गई, तो पूरी मेहनत पे पानी फेर दिया यार बारिश ने। जितनी देर तक बर्फ गिरी, आधा पौने घंटे तक, तब तक जो है काफी ज्यादा जम जाती, लेकिन बर्फ के साथ साथ बारिश आ रही थी और बारिश ने काम खराब कर दिया। जितनी देर तक बर्फ गिरी, आधे पौने घंटे तक, तब तक जो है काफी ज्यादा जम जाती है, हमें काफी अच्छी बर्फ देखने को मिलती। लेकिन अभी जो है मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बारिश चल रही है और बर्फ बंद हो गई है। बर्फ गिरनी बंद हो गई और बारिश चल रही है, तो अभी हम ऐसे ही बस चाय पी रहे हैं, और जब बाद में गिरेगी, अगर बाद में, उम्मीद करते हैं कि बाद में भी गिर जाए, तो देखते हैं बाद में गिरती है कि नहीं, या फिर रात को गिर जाए, तो उसके बाद ही हमें काफ़ी अच्छी बर्फबारी देखने को मिलेगी। फिलहाल हम एक ही चीज़ कर सकते हैं, वो है इंतज़ार। चाय पियेंगे, तब तक इंतज़ार करते हैं कि बाद में बर्फ़ गिर जाए। अभी टाइम हो गया है, 4 बजने वाले हैं, और मैं आया हूँ अपने गाँव के ऊपर, तो इधर का नज़ारा भी आपको दिखाने वाला हूँ। और पीछे देखो कोहरा लग चुका है, बर्फ़ देखने को तो नहीं मिली। ये देखो पूरा क्लियर हो चुका है, क्योंकि बारिश के साथ बर्फ़ भी गिर रही थी तो यहाँ पे बर्फ़ जम नहीं पाई। लेकिन यहाँ से ऊपर के लिए मैं आपको बताऊँगा कि बर्फ़ कितनी गिरी, अगर यहाँ भी गिरती
तो आपको देखने को मिलता है ऐसा। तो यहाँ से ऊपर जो कुछ पहाड़े दिख रही है जहाँ पे बर्फ भरी हुई है, तो आपको दिखाते हैं। वो है पूरा वो उधर गांव, दो तीन घर है जो सीमाधार, उसके ऊपर की पहाड़ी जो है वहाँ पे हल्की हल्की दिख रही है कुछ कुछ, लेकिन वहाँ देखो कितनी बर्फ़ पड़ी हुई है वहाँ पे पूरी बर्फ़ पड़ी हुई है ये देखो, और कोहरा भी लगा हुआ है। और मेरे हाथ में है हेलमेट और मैंने सर पे लगाया है ये, तो ये पहन के मैं जा रहा हूँ, बाइक में जा रहा हूँ। अजीत आ रहा था कोटद्वार, तो तिमली खाल से जो है बस वापस चली गई क्योंकि वहाँ पे रोड ख़राब हो चुकी है, रोड टूट चुकी है और वहाँ से इधर के लिए आप गाड़ी नहीं आ पा रही है, तो बस वहाँ अटक गई है। और अजीत को लेने जा रहा हूँ मैं बाइक पे, तो काफ़ी ज़्यादा ठंड लगने वाली है यहाँ पे मुझे, और रास्ता भी कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि पीछे देखो काफ़ी ज़्यादा कोहरा लगा है, तो बर्फ़ हमें उधर ही देखने को मिल सकती है। जिधर के लिए मैं जा रहा हूँ वहाँ पे शायद हमें बर्फ़ देखने को मिल जाए। इधर साइड के लिए तो क्लियर हो चुका है मौसम हल्का हल्का, इधर के लिए दिख रही है पहाड़ी, इधर भी बर्फ़ नहीं गिरी, उधर भी लेंगल की साइड क्लियर हो चुका है। और ये अपने गांव के रोड में आ गया मैं, और यहाँ से जाएंगे सुमन भाई की गाड़ी लेके, और वहाँ काफ़ी कोहरा लगा हुआ है अजीत के सामने, उधर के लिए आसपास पूरा इधर भी लगा हुआ है, लेकिन जहाँ पे अजीत रुका हुआ है तिमली खाट के सामने वहाँ पे हमें बर्फ़ देखने को मिल सकती है, लेकिन काफ़ी परेशानी होने वाली है मुझे यहाँ से जाते वक्त, काफ़ी ठंड लगने वाली है, तो सीधे आपको मिलेंगे अजीत के सामने। अभी मैं आया हूँ भटराकोली के थोड़ा सा आगे, तो यहाँ से देखो ऊपर के लिए काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ गिरी हुई है, और जो कि काफ़ी मस्त सीन लग रहा है ये देखो। काश ऐसी बर्फ़ हमें अपने गांव में देखने को मिलती, इधर के लिए इधर उधर, उधर के लिए पूरी वो जो पहाड़ी है वहाँ से, और इधर के लिए पूरा देखो बर्फ़ पड़ी हुई है। फिलहाल अजीत के सामने चलते हैं, वो भी वेट कर रहा है, और वहाँ दिखाएंगे आपको बर्फ़ कितनी गिरी हुई है। दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ तिमली खाल में, और यहाँ पे जो बर्फ़ पड़ी हुई ना एकदम ज़बरदस्त, मेरे होंठ एकदम ठंडे हो गए, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, एकदम इतनी ठंड लग रही है यहाँ पे। और अजीत है यहाँ से उधर के लिए, तो उधर के लिए मैं आपको बताता हूँ काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है, तो बाइक ले जाना यहाँ पे रिस्की है, बाइक फिसल सकती है, काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई है, खाली जो गाड़ी के टायर है टैक्सी वगैरह चली होगी तो उसमें ले जा सकते हैं हम, लेकिन उसमें भी बर्फ़ पड़ी हुई है तो फिसलने का काफ़ी डर है, तो इसलिए मैं रिस्क नहीं ले रहा हूँ, कहीं फिसल जाऊँगा और यहाँ पे ठंड में चोट ज़्यादा भयंकर लगेगी मेरे को, मैं उठ नहीं पाऊँगा। तो अजीत है उस तरफ, मुझे यहाँ से थोड़ा सा पैदल जाना पड़ेगा, और इधर को देखो, इधर से मैं आया तो काफ़ी ज़बरदस्त बर्फ़ पड़ी हुई है, इस इलाके में एकदम पूरा ढका हुआ है बर्फ़ से, ये तो ज़बरदस्त लग रहा है यहाँ पे। अजीत को लाता हूँ पहले उधर से, देखो काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है वहाँ पे, दो लोग जा रहे हैं, दो लड़के, तो यहाँ पे और यहाँ उधर के लिए, वहाँ पे जहाँ से हम बारात में गए थे वहाँ तक भतकोट के बैंड तक, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी उस इधर से आगे के लिए, और ये तिमली खाल में इधर से मैं आया तो इधर के लिए कम बर्फ़ पड़ी है, ढिसवाणी तक बर्फ़ पड़ी हुई है, लेकिन आगे आगे जाके थोड़ा कम कम है, और इधर काफ़ी ज़्यादा है। और ये देखो पेड़ तो कैसे हो गए, कई पेड़ ऐसे झुक गए हैं, ये देखो टूट ही चुके हैं एकदम, तहस नहस हो चुका है ये देखो। के लिए मैं पैदल जा रहा हूँ, अजीत वहाँ पे होगा आई थिंक, उसने बोला था मैं वहाँ पे बैठ जाता हूँ, और शायद वहीं पे है क्योंकि और भी लोग दिख रहे हैं, और बर्फ़ पेड़ों से ऐसा गिरी है देखो, एकदम सफ़ेद चादर से ढका है पूरा जंगल। और मैं इधर बाइक ला सकता था, रिस्क तो नहीं था, लेकिन जब मैं बाइक बैक करता तो उस समय हम फिसल सकते थे क्योंकि पूरी रोड में बर्फ़ पड़ा हुआ है, ये देखो कम से कम 1-2 फुट तक, ये देखो यहाँ पे मैं फिसल सकता था, ऐसे हुआ रहा है, ये देखो ऐसे हो रखा है, तो यहाँ पर फिसलने का काफ़ी डर है, और कम से कम 2-2 फुट तक बर्फ़ पड़ी हुई है इधर के लिए, ये देखो साइड साइड आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है, तो इधर के लिए काफ़ी रिस्की है, जो भी तिमली खाल से इधर के लिए आएगा तो मैं उसको कहना चाहता हूँ कि अभी नहीं आए बाइक लेके। ये देखो खाली गाड़ी के टायरों के उधर के लिए बर्फ़ नहीं है, उधर के लिए भी कम कम है, लेकिन बीच में देखो कितना घेरा बना हुआ है हर तरफ ये देखो, और इधर से तो काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है, पूरा तिमली खाल का एरिया ये ऐसे ढका हुआ है बर्फ़ से ये देखो, और फिर कुंज खाल के उधर नहीं पड़ी, उधर के लिए साफ हल्का दिख रहा है। अभी हम तिमली खाल में गए तो थे, अजीत मुझे मिल गया था वहाँ पे, और आज काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी थी, शुक्र करो कि मैं बाइक नहीं ले गया वरना मैं फिसल जाता, और वहाँ पे मेरा फ़ोन जो है स्विच ऑफ हो गया क्योंकि यहाँ सुबह से लाइट भी नहीं है, अब बर्फ़ पड़ी तो 2 दिन तक लाइट गायब रहेगी। और उसके बाद मैं घर आया तो पावर बैंक में थोड़ा सा चार्ज था, तो मैंने यहाँ पर वीडियो बनाई और हम आ गए घर, अजीत भी आ गया है,
तो यहाँ से हम कल चलेंगे वहाँ पे बर्फ़ देखने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको तिमलीखाल की पूरी बर्फ़ दिखेगी, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ गिरी हुई है। और अभी मेरा मूड ठंडा हो चुका है क्योंकि हम बाइक से आ रहे हैं। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ देखने को मिल रही है। तो चैनल को क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय दोस्तों।